ओम अज्ञान अतिमिरांध से ज्ञानंजन शलाक्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वांछाकल्पत्रुभ्यश्च कृपा सिंधुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यमी गौरतविषये नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवसच विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमने कल इधर विश्राम दिया था कि बहुत से जो सन्यासी थे और अपने को महाजन कहलाने वाले, उनको प्रभु के लीला के दर्शन नहीं हो रहे थे जो नीलाचल में कर रहे थे, तो कहते कि वो कम भाग्यशाली थे। और वो इस प्रकार के शब्द कहते हैं, देवुड से वैदिक चैतन्य लीव द स्टडी ऑफ वेदांत टू मेक अ बिग शो ऑफ कीर्तन। वो क्या कहते कि प्रभु ने वेदांत की पढ़ाई छोड़ के ये कीर्तन का क्यों दिखावा कर रहे हैं। कहते हैं हरि भक्ति विलास में आता है, अ पर्सन हु चैंस द टू सिलेबल्स हरी हैज ऑलरेडी स्टडी द फोर वेदास साम ऋग यजुर एंड अथर वेदास। तो हरि भक्ति विलास में कहते हैं जिसके मुख से हरि नाम निकल चुका, समझो उसने चारों वेद पढ़ लिए हैं और कुछ उसके लिए पढ़ना बाकी नहीं रह गया, क्योंकि सब शास्त्रों का फल एकमात्र हरि नाम ही है। माई डियर सन, हरिभक्ति विलास आगे क्या बोलते हैं और स्कंद पुराण से लिया गया है, माई डियर सन देर इज नो नीड टू स्टडी द ऋग्वेद, देर इज नो स्टडी नीड टू स्टडी द यजुर्वेद एंड देर इज नो नीड टू स्टडी द सामवेद, जस्ट ऑलवेज चैन द हिम हरि सच एज गोविंद। तो कहते हैं मेरे पुत्र, स्कंद पुराण से लिया गया, हरिभक्ति विलास पर लिखा गया है, कहते हैं ना ऋग्वेद पढ़ने की आवश्यकता है, ना यजुर्वेद की, ना सामवेद की, केवल अपने मुख से हरि नाम का उच्चारण करें, जैसे गोविंद वगैरह नाम है उनका उच्चारण करिए। पद्म पुराण के श्लोक भी हरि भक्ति विलास पर दिया हुआ है, उस पर क्या कहते हैं, वन ए नेम और लॉर्ड विष्णु इज सुपीरियर टू ऑल द वेदास। कहते भगवान विष्णु का एक नाम सारे वेदों से श्रेष्ठ है, एंड वन नेम ऑफ लॉर्ड राम इज इक्वल टू थाउजेंड नेम्स ऑफ विष्णु, और एक राम नाम हजार विष्णु नाम के समान है। बृहन्नारदीय पुराण में भी लिखा गया, पर्सन हु स्टडी वेदांत और ऑलवेज पीसफुल फॉरगिविंग सेल्फ कंट्रोल एंड फ्री फ्रॉम डुअलिटीज फॉल्स ईगो एंड फॉल्स सेंस ऑफ प्रोपर्टरशिप। तो क्या लिखा कि जो लोग वेदांत को पढ़ते हैं उनके अंदर शांति होती है, क्षमा के भाव होते हैं, आत्मनियंत्रण होता है, और द्वंद कहते हैं दो जन्म मरण सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता इनसे मुक्त होते हैं, क्योंकि ये सारी मन की स्थिति है। फॉल्स ईगो यानी जो व्यक्तिगत अहम होता है शरीर को लेके, उससे भी मुक्त होते हैं, एंड फॉल्स सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप कि संसार की वस्तु को अपना माना, मैं और मेरा, ये भाव उनके अंदर नहीं होता। उनके अंदर ये भाव होता है जो कुछ है मेरे प्रभु का है और हर चीज़ मैं प्रभु की सेवा में उसी की वस्तु नियुक्त कर रहा हूँ, मेरी अपनी कोई वस्तु नहीं है। द ड्यूटी ऑफ अ सन्यासी इज ऑलवेज टू प्रैक्टिस प्रणायाम बट ही डांसिंग एंड क्राइंग इंस्टेड, इज दिस द बिजनेस ऑफ अ सन्यासी। तो कहते हैं कि सन्यासी कर्तव्य प्रणायाम करना और ये तो नाच रहा और रोता है, ये क्या सन्यासी का क्रिया है। द बेस्ट ऑफ दिस सन्यासी हवर वुड से श्री कृष्ण चैतन्य इज अ महाजन। जो सर्वश्रेष्ठ सन्यासी थे वो क्या बोलते थे, श्री कृष्ण चैतन्य ये आम नहीं, ये महाजन कहलाते हैं।
such person would call him, some person would call him a gyani and some person would call him a great devotee. कोई उन्हें ज्ञानी करके संबोधित करते हैं, कोई उन्हें भक्त करके संबोधित करते हैं. In this way they would praise him without knowing his real identity. इसी प्रकार वो उनकी प्रशंसा करते हैं उनके बारे में जाने बगैर. In this way all the Vaishnav enjoyed sporting in the water with the Lord. इसी प्रकार सारे वैष्णव जो है जो नंद सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहे थे प्रभु के साथ. लॉर्ड चैतन्य एंड हिज एसोसिएट्स एंजॉयड द सेम वाटर स्पोर्ट्स एज दे हैव प्रीवियसली एंजॉयड इन द यमुना. कहते महाप्रभु और उनके संगी जो हैं जल क्रीड़ा में उतना ही रस आस्वादन कर रहे हैं जैसे यमुना जी में कृष्ण अवतार में इन्होंने ग्वालों के साथ किया था. द सेम मर्सी अटेंड बाई द गैंजेज एंड द यमुना वॉज नॉ अटेंड बाई नरेंद्र सरोवर. तो कहते जो कृपा गंगा जी और यमुना जी को मिली थी क्योंकि प्रभु ने कृष्ण अवतार में यमुना जी में क्रीड़ा की थी महाप्रभु के रूप में गंगा जी में स्नान किया था अब अपने सखाओं के साथ खेलते थे वही कृपा नरेंद्र सरोवर को भी प्राप्त हुई है. ऑल दिस पास्टाइम वर परफॉर्म टू डिलीवर द लिविंग एंटिटीज. ये सारी लीला क्यों की गई है जीव का उद्धार करने के लिए. By hearing and studying these topics, one bondage to fruitive activity destroyed. इन लीलाओं को पढ़ने से और श्रवण करने से मनुष्य के जो बंधन हैं वो कट जाते हैं. After finishing his water sports, जल क्रीड़ा संपन्न करने के बाद Lord Chaitanya went with his devotees to see Lord Jagannath. महाप्रभु जो हैं भक्तों के साथ जाते हैं जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए. द लॉर्ड एंड हिज डिवोटीज ऑल बिगैन टू क्राई इन एक्सटेसी ऑन सीइंग लॉर्ड जगन्नाथ. यानी प्रभु और उनके भक्त जो है भाव में अश्रु बहा रहे हैं जगन्नाथ जी के दर्शन करते हुए. ऑन सीइंग जगन्नाथ लॉर्ड चैतन्य बिकेम ओवरवेम्ड एंड हिज होल बॉडी बिकेम सोक्ड विद टीयर्स ऑफ एक्सटेसी. जगन्नाथ जी के दर्शन करने से ही महाप्रभु जो हैं भाव विभोर हो गए और उनका जो पूरा शरीर था वो प्रेम के अश्रु से भीग गया. ऑल द डिवोटीज हेड बाय अद्वैत प्रभु लुक्ड ऑन विद ग्रेट सेटिस्फैक्शन एंड फ्लोटेड इन द ओशन ऑफ ब्लिस. सारे भक्त जो हैं जिनके नेत्र में अद्वैत प्रभु भी हैं इन सब चीज़ों के दर्शन कर रहे थे और तृप्ति प्राप्त कर रहे थे और भाव में तैर रहे थे. द डिवोटीज फेल फ्लैट ऑफरिंग ऑबिसेंसेस टू बोथ द मूविंग एंड द नॉन मूविंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स. तो कहते हैं भक्त जो है दंडवत प्रणाम करते हैं दोनों को. एक चल चल को ना महाप्रभु ही है जो जगन्नाथ जी चलाए बाने चल रहे हैं और विग्रह के रूप में जो मंदिर में है वो अचल है उन दोनों को प्रणाम कर रहे हैं. काशी मिश्र देन ब्रॉट लॉर्ड जगन्नाथ गार्लैंड एंड डेकोरेटेड द डिवोटीज. काशी मिश्र हार लेके आते हैं और भक्तों का को हार पहनाते हैं उनका श्रृंगार करते हैं. द ओरिजिनल इंस्ट्रक्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर लॉर्ड चैतन्य हु इज नारायण ड्रेस्ड एज अ सन्यासी एक्सेप्टेड द गार्डन ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ विद ग्रेट रेवरेंस एंड डिवोशन. कहते हैं जो मूल गुरु हैं कौन है चैतन्य महाप्रभु वो स्वयं नारायण हैं और जो इस वक्त सन्यासी वेश में आए हैं कहते उन्होंने वह हार स्वीकार किया जगन्नाथ जी का बड़े आदर और भक्ति भाव से स्वीकार किया. ओनली लॉर्ड चैतन्य नोज द ग्लोरीज ऑफ द वैष्णवस. केवल महाप्रभु जाते हैं वैष्णवों की महिमा को. तुलसी द गैंजेस एंड महाप्रसाद नो वन एल्स हैज एबिलिटी टू नो. कहते हैं वैष्णव की महिमा क्या है तुलसी जी की महिमा क्या है गंगा जी की महिमा क्या है और महाप्रसाद की महिमा क्या है वैष्णव महाप्रभु ही जानते हैं. इन वैष्णवों की तुलसी गंगा जी का महाप्रसाद की महिमा और दूसरे में कोई क्षमता नहीं इनकी महिमा को जानने की. आप प्रभु कृपा करके जना दे तो बात अलग होती है. द लॉर्ड डेमॉन्स्ट्रेटेड वैष्णव बिहेवियर बाई ऑफरिंग रिस्पेक्ट टू अदर वैष्णव. प्रभु ने
वैष्णव व्यवहार का प्रदर्शन किया दूसरे वैष्णवों को प्रणाम करके, यानी हमें बताया गया कि वैष्णवों को एक दूसरे को किस प्रकार मान सम्मान और आदर प्रणाम करना चाहिए। आप देखोगे महाप्रभु जो स्वयं ईश्वर हैं वो डोंडर प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि भाई आप मुझे कृपा करिए, और यानी उनको आवश्यकता नहीं है। और आप रामायण में देखोगे हनुमान जी सुग्रीव से बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है, अनंत गुना, लेकिन उनमें इतनी दैन्यता है कि वो सुग्रीव को अपने से श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि ये तो प्रभु का सखा है, मैं तो दास हूँ। और एक सन्यासी ग्रस्त को दंडवत प्रणाम करके आज्ञा लेता है मैं प्रभु के साथ रहूँ, यही दैन्यता प्रभु को आकर्षित करती है कि एक सन्यासी एक ग्रस्त के आगे एक विषयी इंसान के आगे भी प्रणाम करे और उसको श्रेष्ठ माने और उनसे आज्ञा ले कि आप मुझे आज्ञा दो प्रभु। यानी कितनी भारी दैन्यता होगी कि एक सन्यासी इस प्रकार का व्यवहार कर सकता है। ये तो सन्यासी क्या सोचता कि आपका अधिकार है मुझे प्रणाम करना, लेकिन जो रियल श्रेष्ठ वैष्णव होते हैं ना वो कभी अधिकार किसी का नहीं मानते, वो कहते सब मेरे से श्रेष्ठ है, मैं सबसे तुच्छ हूँ, इसलिए वो सबको मान सम्मान और आदर प्रदान करते हैं। यानी यही वैष्णवता के लक्षण है, हम अपने से सबको श्रेष्ठ माने, चाहे वो हो या नहीं हो, लेकिन भाव हम यही रखें कि सभी मेरे से श्रेष्ठ है, प्रभु की कृपा के पात्र हैं, उन सबका आशीर्वाद ही मेरे उद्धार का कारण बन सकता है। और हृदय से माने तो मान सम्मान डेफिनेटली कृपा मिलेगी प्रभु इसी दैन्यता से। इसलिए प्रभु ने हनुमान जी को अपने पास रखा और अंगद को नहीं रखा, क्योंकि अंगद अपने आप को सुग्रीव से श्रेष्ठ मानते थे, उनके मन में इस बात का भी मान था कि मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ, मैं उनसे आज्ञा क्यों मानूं। जहाँ पे भी श्रेष्ठता का थोड़ा भी भान आ जाए मन में कि मैं उससे श्रेष्ठ हूँ, तो समझो आपकी कृपा हट चुकी है। इंसान कभी कभी चाहे वो कितना भी श्रेष्ठ हो उसको कभी बात माननी नहीं चाहिए, स्वीकार करना चाहिए हृदय से कि मैं श्रेष्ठ हूँ, उसको यही लगना चाहिए कि सब में से श्रेष्ठ है और सबको मान सम्मान देना। अब तो इससे जब नहीं मिलेगा उसको मान सम्मान, उसको दिल दुखी नहीं होगा, क्योंकि वो मानते नहीं मैं श्रेष्ठ हूँ ना, तो क्यों मेरे को मान सम्मान चाहिए, तो उसको दुख नहीं होगा। हम अपनों को श्रेष्ठ मानते हैं चाहे मुँह से ना भी बोले, तभी हम परेशान होते हैं कि उसने मुझे मान सम्मान नहीं दिया, मुझे प्रणाम नहीं किया, हम तब जाके दुखी होते हैं। यानी हमारे हृदय में दैन्यता आई नहीं है। मैंने कहा ना प्रभु आपके हृदय की स्थिति और व्यवहार को देखते हैं, ना कि आपके क्रिया को नहीं देखेंगे। आप क्या मुंह से क्या बोलते हो, मुंह से तो बहुत कुछ बड़ी बड़ी बातें हम कर लेते हैं, लेकिन हृदय की स्थिति क्या वो महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रभु आपके शब्दों क्या ध्यान नहीं देते हैं, आपके हृदय के भाव के अनुसार आप पे कृपा होगी। रिलीजियस प्रिंसिपल्स प्रिस्क्राइब दैट अ फादर शुड ऑफर रिस्पेक्ट टू सन आफ्टर द सन एक्सेप्ट संन्यास। कहते धर्म के सिद्धांत क्या बताते हैं कि पिता को अपने पुत्र को भी प्रणाम करना चाहिए अगर उसने संन्यास ग्रहण कर लिया, क्योंकि संन्यास एक बहुत ऊंची स्थिति होती है। एक्चुअल संन्यास का अर्थ यही होता है कि मेरे को कृष्ण नाम और कृष्ण लीला के अलावा कोई भी वस्तु आकर्षित नहीं कर सकती, उसको वास्तव में हम संन्यास मानते हैं। अगर आपका संसार में आकर्षण बना है तो फिर ये संन्यास हम लेना एक पाखंड कहलाता है, क्योंकि अगर आपके आकर्षण खत्म नहीं हुआ तो भोजन के प्रति, स्त्री के प्रति, बस खाने की दूसरी वस्तुओं के प्रति आकर्षण है। और उसका लक्षण क्या है कि जीव निरंतर नाम जप करेगा या निरंतर कथा करता रहेगा, उसके अलावा कोई दूसरी क्रिया करेगा नहीं। इससे पता चलता कि वो कैसा व्यवहार बताता कि इंसान की स्थिति कैसी है, व्यवहार से पता चलता है, क्योंकि उसको वो स्वाद मिल चुका है कृष्ण नाम का और कृष्ण कथा का कि उसको संसार की हर वस्तु तुच्छ लगती है, इसी कारण वो कथा किए बगैर या नाम जपे बगैर वो रह नहीं पा रहा है। अगर उसको टेस्ट नहीं मिला तो वो छोड़ के कुछ और करेगा, टेस्ट मिल गया उसको
कथा का नाम का, तो उसके वो छोड़ के कुछ कर ही नहीं सकता। और करते 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 ही वो स्वाद आएगा। रोगी इंसान जब पित्त होता है तो मिश्री चूसते चूसते कड़वी लगती है, लेकिन वही इलाज उसका चूसते चूसते वो मीठी लगनी शुरू हो जाती है, जब फिर शांत होता है। कथा सुनते सुनते जब करते करते धीरे 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 अपने आप उस पर रस आना शुरू हो जाता है। कुछ भक्त कहते, कल कह रहे थे कि आप कथा बहुत समय सुन रहे हैं, पहले तो कुछ समझ नहीं आती, अब क्या बोलते हो, अब कथा समझ में आनी शुरू हुई है। इसका अर्थ एक ही होता है कि जैसे जैसे अंतकरण की शुद्धि होगी, लगातार सुनोगे, जब वो चीज़ समझ आनी शुरू होती है। पहले इसलिए नहीं आती क्योंकि हृदय में बहुत ज़्यादा अनर्थ भरे होते हैं और हृदय बहुत ज़्यादा मलिन होता है, इससे चीज़ समझ में नहीं आती। लेकिन जैसे जैसे हरिनाम बढ़ेगा, जैसे जैसे शुद्धता बढ़ेगी और उतनी बुद्धि सूक्ष्म होगी, और बुद्धि सूक्ष्म होगी तो चीज़ समझ आनी शुरू हो जाएगी, हर चीज़ समझ आनी शुरू हो जाती है। तो ये मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितनी शीघ्रता से अपने अंतकरण को शुद्ध करना चाहता है। जितना भजन का स्तर बढ़ेगा उतनी उसकी शुद्धता ज़्यादा होगी। Therefore, the sannyasi order, sannyas order is to be respected by all. जो सन्यास का जो पद है उस पर सबको उसको आदर देना चाहिए। It is prescribed that a sannyasi should offer obeisance to other sannyasi. और ये भी कहा गया कि सन्यासी को दूसरे सन्यासी को दंड प्रणाम करना चाहिए। लेकिन कोई बिरला ही का हनुमान जैसा ही ग्रस्त को भी प्रणाम कर सकता है सन्यासी, वो बिरला ही होते हैं। महाप्रभु जैसे बिरले ही होंगे जो किसी ग्रस्त को भी प्रणाम कर सकते हैं, उनका भी श्रेष्ठ मानते हैं। स्टिल द लॉर्ड हु इज शिक्षा गुरु कृष्णा रिजेक्टिंग आश्रम धर्म टू ऑफर ऑबिसेंसेस टू द वैष्णवस। फिर भी प्रभु जो है शिक्षा गुरु हैं, स्वयं कृष्ण है, उन्होंने आश्रम धर्म को त्याग दिया कि भाई मैं ईश्वर मुझे प्रणाम करो, वो लोगों को शिक्षा दे रहे और वैष्णवों को प्रणाम करते हैं। देखिए लोगों को शिक्षा देने के लिए, देखो प्रभु पढ़ाई करने जाते हैं, कहते वेद जिनके श्वास है उनको पढ़ाई की क्या आवश्यकता, लेकिन लोगों को शिक्षा देने के लिए तो दिखाते मैंने गुरु धारण के पढ़ाई करो, तो तुम भी गुरु धारण करो, पढ़ाई करो, तभी तुम आगे बढ़ोगे। तो वेद उनके श्वास है, उनको कौन सी पढ़ाई की जरूरत है। Now hear attentively the pastime of how Lord Gaurang exhibited devotion for Tulsi. आप ध्यान से सुनिए कि महाप्रभु ने तुलसी के प्रति किस प्रकार भाव दिखाए, भक्ति दिखाई है। One day the Lord took a small clay pot, filled it with choice dirt and planted Tulsi in it. एक दिन प्रभु ने हाथ में एक गमला लिया और उस पर उन्होंने मिट्टी भरी और उसके अंदर तुलसी डाली उन्होंने। द लॉर्ड देन सेड, प्रभु फिर कहते हैं, इफ़ आई डोंट सी तुलसी आई कैन नॉट सर्वाइव जस्ट एज अ फिश कैन नॉट सर्व आउट ऑफ वाटर। कहते हैं अगर मैं तुलसी को नहीं के दर्शन नहीं करता हूँ तो मैं जीवित नहीं रह सकता हूँ, जैसे मछली पानी बगैर नहीं रह सकती, उसी प्रकार मुझे तुलसी भी बहुत ज़्यादा प्रिय है। हम पढ़ते भी तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमो, यानी वो कृष्ण की परम प्रिय है। और राधा कृष्ण सेवा पाओ ऐ अभिलाषा, मुझे राधा कृष्ण की सेवा की अभिलाषा है। मोर ऐ अभिलाष विलास कुंज, मेरी अभिलाषा क्या है, विलास कुंज में प्रवेश करने की, उस लीला के दर्शन करने की। नैने हेरिफ सदा युगल रूप राशि, यानी इन आँखों से उन लीला के दर्शन करो तो कैसे मिलेगा। ऐ निवेदन का सखीर अनुगत का सेवा अधिकार, तो सेवा अधिकार कौन देगा, तुलसी महारानी तो देगी। मैं विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप मुझे अधिकार दो, आप कोई भी भाव में होगे, तुलसी महारानी क्योंकि प्रेयसी है, प्रियतमा है, वो आपको माधुर्य भाव में लेके जाएगी ही जाएगी। और जो तुलसी की सेवा है वो आप जो देखो, जिसके पास जो वस्तु थे वही वस्तु दे सकता है, तुलसी वही वस्तु आपको प्रदान करेगी। इसलिए जब हम भोग में लगाते हैं, जब तुलसी डालते हैं, हमारे में भले प्रेम उस स्तर का ना भी हो, क्योंकि तुलसी आ गई है ना, तो प्रभु हमें ग्रहण करेंगे। क्यों, क्योंकि तुलसी उस प्रेम के अभाव को पूर्ण करती है। और इसीलिए कारण हम कंठी भी क्यों धारण करते हैं गले में, कि
प्रभु हम अपने शरीर का भोग लगा रहे, उसको अर्पण करें। बिगै तुलसी के प्रभु 56 भोग 36 व्यंजन, बिना तुलसी प्रभु एक नहीं माने, यानी 56 भोग भी हो जाए 36 व्यंजन बिगै तुलसी प्रभु ग्रहण नहीं करते। उसी प्रकार इस शरीर को भी ग्रहण तब करेंगे जब कंठ में तुलसी होगी। क्यों? क्योंकि ये मेरा दास हो चुका है अभी, उसके पहले मेरा दास अभी बना नहीं है। तुलसी पहनने से मतलब कि हम वैष्णव बन जाते हैं। कहते 100 ब्राह्मण को भोजन कराने की तुलना में एक वैष्णव को भोजन कराना ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि एक वैष्णव 100 ब्राह्मण के तुलना में श्रेष्ठ होता है। 100 वैष्णव की तुलना में एक अनुरागी वैष्णव को खिलाना या सेवा करना ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो कहते कि अगर 100 अनुराग, कहते एक भी अनुरागी वैष्णव मिल गया तो परम भाग्यशाली, मिलो 100 तो मिलते ही कहाँ है। अगर एक भी मिल गया उसका लक्षण क्या है? उसके अंदर व्याकुलता और विरह की अग्नि होगी, प्रभु के विरह की। वो निरंतर नाम जप करता रहेगा या निरंतर कथा करता रहेगा, उसके अलावा दूसरी क्रिया करते आप उसको नहीं पाओगे। वो तड़फेगा कि काम मुझे काज कथा नहीं मिल रही या नाम जप करने को नहीं मिला, वो तड़फन दिखाते कि वो किस स्थिति में पहुँचा। तो ये होते हैं लक्षण। इसलिए तो तुलसी के क्षेत्र में यमदूत कभी भी नहीं आते। कंठ में तुलसी देख के उसे समझ इसका स्वामी कोई और है, इसके पास हम आ नहीं सकते हैं, हम स्पर्श भी नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते हैं, क्योंकि कंठ में तुलसी है और तुलसी को शरीर के साथ जलना चाहिए। यह नहीं कि आप मर गए तुलसी तार जलने दो, वो आपको बराबर गोलोक पहुँचाएगी पहुँचाएगी, क्योंकि जिसके पास जो वस्तु वही वस्तु देता है। तुलसी के पास जो प्रेम है वही प्रेम आपको देगा, वो मधुरता आपको देगी देगी। इसलिए वैष्णव बनने के लिए सबसे पहले लक्षण होता है तुलसी को धारण करना और गोपी चंदन क्या है? गोपियों के शरीर की रज, उससे प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। हम गोपियों को रज को आप कितना श्रेष्ठ मानते हैं, उनके शरीर का अंगराग है, उसको हम सिर पर धारण करते हैं तभी तो प्रेम मिलेगा, कृपा मिलेगी। ये दो चीज प्रमाण है कि जीव जो है प्रभु के प्रति शरणगत है। ये अब वैष्णव बन गया, एक कंठ में तुलसी, दूसरा गोपी चंदन, उसके 12 तिलक उसके सर पर होने चाहिए। इनफैक्ट आप देखोगे रामानंद संप्रदाय में 12 तिलक है, निम्बार्क में भी 12 तिलक है, विष्णु स्वामी भी, चारों संप्रदाय में 12 तिलक है, चारों संप्रदाय में तुलसी है और चारों ही ऑथराइज है, चारों के लिए बाहर कोई ऑथराइज संप्रदाय नहीं है। इन चारों के अंदर जो भजन करता है वो भगवत धाम का अधिकारी होता है, और चारों के अंदर से तिलक अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन चारों में 12 तिलक हैं और चारों में कंठियाँ हैं। तो इंसान ये नहीं बोल सकता कि तुम हरे कृष्ण हो इससे कंठी पहनते हो, भाई रामानंदी भी पहनते हैं, निम्बार्क वाले पहनते हैं, विष्णु स्वामी पहनते हैं, सभी तो पहनते हैं कंठी, ये तो सबका अधिकार है, तो तभी तो कृष्ण की कृपा मिलती है। As the Lord followed behind, looking at Tulsi, tears of ecstasy would flow down his body. जब प्रभु चलते थे पीछे तुलसी को देखते हुए, उनके आंखों से अश्रु बहते थे। When the Lord would sit to chant japa, a tulsi plant would be placed next to him. जब भी प्रभु बैठ जाते थे जप करने के लिए, तुलसी को अपने बगल में रखते थे, यानी तुलसी जी को हरि नाम सुनाओ। तुलसी दूध सखी का भी काम करते, दूध सखी मैसेंजर, वो कंठ से क्या, कंठ से क्यों पहनते, तुलसी नीचे क्यों नहीं लगाते हैं? इसलिए कंठ से लगाते हैं, ये तुलसी हमारे कंठ में इसलिए आई है आपको स्मरण कराने के लिए। इस कंठ से केवल हरि नाम और हरि कथा करना, हरि चर्चा करना, संसार की चर्चा नहीं करना, तो मैं स्मरण कराने के लिए। अगर तू हरि कथा हरि नाम स्मरण नहीं करेगा तो मैं कंप्लेंट कर दूंगी कि ये नहीं करता, मैं तेरे को छोड़ के चली जाऊँगी, तुलसी टूट जाएगी या निकल जाएगी, आप नहीं पहन पाओगे। और अगर आप हरि कथा हरि नाम कर रहे हो तो तुलसी आपके कंठ में हमेशा रहेगी और ये कहेगी प्रभु इसे स्वीकार कर लो, क्योंकि मैं इसे कंठ में आई, ये मुझे उसने प्रसन्न कर लिया क्योंकि निरंतर हरि नाम करता है और आप मेरे प्रियतम का यानी कृष्ण उनके प्रियतम उनका याद करता है, इसलिए इस पर कृपा कर दो और आप पे कृपा। इस तरह हमारी माता तुलसी की होती है, उस पर भी अष्ट सखियाँ और 100 गोपियाँ होती है, 8 के बाद धागा होता है, अष्ट सखियाँ 100 गोपियाँ इसलिए होती है कि भाई, और ये गोल इसलिए होती है तुलसी माला गोल, तो वो रासस्थली है और हम कृष्ण को हर गोपी और सखी के साथ नृत्य कराते, जितना हरिनाम करोगे हर सखी और गोपी के साथ कृष्ण को नृत्य करा दो।
और नित्य कराने का अर्थ होता है कि भाई आप 64-70 माला 80 माला करो तो 6 घंटे आपने नित्य कराया, रास कराया भगवान का, सखियों के साथ रास कराया आपने, तो वो कितनी प्रसन्न है प्रभु, इसे आप प्लीज़ ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि ये हमको आपसे बार बार मिलाता है, इसलिए आप इसे स्वीकार कर लो। इसलिए चाहे हम योग्य हो या अयोग्य, तुलसी आपको प्रभु से मिलाएगी ही मिलाएगी। प्रभु देखो आप ना नहीं बोल सकते, तुलसी ने एक बार कह दिया कि आपको ग्रहण करना है, क्योंकि ये हमें आपसे बार बार नित्य कराता है, हमारा आपका मिलन कराता है। हरे कृष्ण बोलते हर मन के पे, तो तुलसी को कृष्ण से मिलाते तो हैं और गोल घुमाते तो रासस्थली तो करें, और क्या करें हम लोग। इसी कारण से जीव को तुलसी पहननी चाहिए, तुलसी माला होनी चाहिए, तुलकंठी होनी चाहिए, और तुलसी के गमले के सामने हरिनाम करो, तब बहुत शीघ्र कृपा मिलती है, बहुत शीघ्र। मैं महाप्रभु में शिक्षा दे रहा हूँ, अन्य स्थान में जो हरिनाम का फल मिलता है तुलसी के साथ बैठने में तुरंत फल मिल जाता है, बहुत जल्दी मिलता है, चाहे आधा घंटा, चलो 64 माला का 5 माला 6 माला 4 माला 2 माला कुछ तो करो तुलसी जी के आगे, बाकी चलते फिरते जैसा तक करते रहना। एक नियम बना लो कि अभी इतनी माला तुलसी के सामने हमने करनी करनी है, और तुलसी कृपा से भगवान बहुत शीघ्र मिलेंगे आपको, धाम तक मिल जाएगा। कहते हैं प्राउड पर्सन हु वर्शिप लॉर्ड कृष्णा बट डू नॉट वर्शिप द लॉर्ड्स डिवोटीज, डू नॉट अटेन लॉर्ड कृष्णा मर्सी। जो इंसान अभिमानी होता है और मैं तो कृष्ण का भक्त हूँ, उनके भक्त की का पूजन नहीं कर, भक्त का पूजन का मतलब क्या होता है, भक्त की आज्ञा नहीं मानता, भक्त की सेवा नहीं करता, उसको कभी प्रभु की कृपा नहीं मिलती, क्योंकि तुलसी प्रभु की सबसे प्रिय है, उनकी सेविका है, आप उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते, ये तो कृपा कभी नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले तुमने तुलसी क्यों नहीं पहनी, अगर तुम्हारे भक्त हो तो मेरे भक्त को तुमने दूर कैसे रखा अपने से, तुलसी मेरी प्रियसी है ना, मेरी भक्त है ना, तो तुमको उसको धारण क्यों नहीं किया, आप क्या उत्तर दोगे। इसलिए कहते हैं कि भाई ईमानदारी से तुलसी को धारण कर लीजिए, महाप्रभु स्वयं इस बात को समझा रहे हैं, बाकी आपकी इच्छा करो या नहीं करो। द लॉर्ड वुड कॉन्स्टेंटली लुक एट तुलसी वाइल चैंटिंग, प्रभु लगातार तुलसी को देख रहे थे जप करते हुए। हु कैन अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल ऑफ डिवोशन, इस भक्ति सिद्धांत को कौन समझ सकता है, कौन इसको समझ सकता है। तुलसी क्यों देख रहे, क्यों, क्योंकि तो प्रेसी ये तुलसी माँ महारानी, तो मुझे कृष्ण से मिला, कृष्ण को क्या मुझे स्वीकार कर, ये भाव होते हैं। और फिर देखो तुलसी कैसे करेगी, तुलसी कितनी प्रसन्न है, मेरे को कृष्ण नाम, मेरे प्रियतम का नाम मुझे सुना रहा है, उसको जल देना ये भी सेवा है, उसकी परिक्रमा करना भी सेवा है, दीप दान करना भी सेवा है तुलसी जी की, ये सब भक्ति के अंतर्गत आते हैं। After chanting the holy names a fixed number of time, the Lord will return with Tulsi again carried in front. यानी हरि नाम करने के बाद संख्या जो उनकी संख्या निर्धारित थी वो करने के बाद जब प्रभु वापस जाते थे तो तुलसी उनके आगे चलती, तुलसी को आगे रखते हुए वो चलते, मैं तुलसी के दर्शन करते हुए नाम जप करूँ, मतलब ये होता इनका। एक सेवक तुलसी माला तुलसी का गमला लेके आगे चलता रहा, प्रभु उसके पीछे चलते रहे तुलसी को दर्शन करते हुए। मैं सोचो कि प्रभु कितना तुलसी को महत्व दे रहे हैं, घर में बैठते तुलसी बगल में रख के हरिनाम करते हैं, और चलते हैं तो तुलसी उनके आगे आगे होती, और तुलसी को देखते हुए वो हरिनाम करते हुए चलते हैं, तो सोचो कितना ज़्यादा उन तुलसी का महत्व दिया है। बाकी हमें मानना नहीं मानना, अपनाना नहीं अपनाना, वो हमारे पर निर्भर करता है। Only one who accept the teaching of Shiksha Guru Narayan receive protection from him. तो कहते हैं जो कोई शिक्षा ग्रहण करता है शिक्षा गुरु से नारायण से, तो वही उसी को कृपा मिलती है, उसी की रक्षा प्रभु करते हैं, क्योंकि मेरे भक्त की आज्ञा मानता है, मेरे भक्त की बात को स्वीकार करता है, इसलिए नारायण जो है उसकी रक्षा करते हैं, नहीं तो रक्षा नहीं करेंगे। मेरे मन में जब आएगा मैं करूंगा, मैं आपकी बात अभी नहीं मान सकता, मैं नहीं मानूंगा, हमने लोगों को प्रसन्न करना है, रिश्तेदारों को प्रसन्न करना है, दोस्तों को प्रसन्न करना है, भैया जाओ जिसको जो प्रसन्न करना है करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि संसार स्वार्थ जने हैं,
संसार में कभी कोई प्रसन्न होएगा नहीं। आप जितना मर्जी को लास्ट में सभी ने एक ही वाक्य बोलना है, आपने मेरे लिए क्या किया, कुछ नहीं किया, लास्ट में सब यही बोलना है। तो आप उस समय आपका दिल टूट जाएगा, इस शब्द से पहले ही आप सावधान हो जाइए, होने वाला है संसार में। इसलिए प्रभु को प्रसन्न करो, प्रभु प्रसन्न हो गए, सारे देवी देवता ऋषि मुनि आपके प्रति प्रसन्न होंगे, फिर किसी को अलग से प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं। और उसका एक ही बात है कि तुलसी की सेवा, तुलसी को धारण करना, तुलसी के सामने हरिनाम करना, यही एक तरीका है, और गोपी चंदन को, और तब जाके प्रभु की आपको कृपा मिलेगी। क्योंकि शिक्षा गुरु भी जो क्या कहेगा वो पहले ही कह के आप तुलसी को पहनिए। अगर आप वैष्णव बनना है तो वैष्णव का लक्षण तुलसी ही है। तुलसी की उपेक्षा करके कोई वैष्णव बन ही नहीं पाया, बगैर तुलसी के कोई भी वैष्णव नहीं बन पाया आज तक, ये बात गारंटीड है। कोई क्या कंठ में तुलसी की सोचेगा खाने पीने के पहले, तुलसी तो मैं तो तुलसी पहनी, मैं तो खा पी सकता हूँ, यानी वो हर चीज़ में ढीला रहेगा। तो जब हर चीज़ में ढीला रहेगा तो कैसे उसको कृपा मिलेगी, मुझे बताओ। कृपा प्राप्त करने के लिए उसको पहन, क्यों जीव के नियम में फंसना नहीं चाहता, ऑफिस के नियमों में फंस जाता है, कॉलेज के नियमों में फंसता है, दुकानदारी के नियमों में फंसता है, लेकिन भक्ति के नियम मुझे नहीं अपनाने हैं, ये भैया अनर्थ है। भक्ति के नियम में क्यों नहीं फंस, भैया का बच्चा जब दिल कर रहा स्कूल थोड़ी जाता है, समय से जाता है, नियम है उसके भी, कॉलेज जाता है नियम से जाता है, दुकान जाता है कब, ये थोड़ी कि दिल आएगा कब जाओ, दोपहर को जाओ, शाम को जाओ, स्वयं जाता है नियम से, दफ्तर जाता है नियम से, हर चीज़ में नियम फॉलो करता है, तो भक्ति में नियम क्यों नहीं फॉलो करता। और जीव अपने मंगल के लिए करेगा, हम अपने दुश्मन खुद बन के बैठे हुए हैं, हमारा दुश्मन बाहर नहीं है, हम अपने से दुश्मनी खुद करें, फैक्ट यही है, हम अपने आप से गद्दारी कर रहे हैं, हमें नहीं करना, हम दूसरे को ब्लेम करते हैं, वो बुरा मानेगा, वो ये करेगा, वो ये करेगा, वैसा कुछ नहीं होता है। जिन्होंने पहना क्या हो गया, और तुमने नहीं पहना तो क्या फ़र्क पड़ गया, क्योंकि तुम्हारी इच्छा नहीं इससे तुम नहीं करो। और हम कपट के द्वारा दूसरों पर ब्लेम डालते हैं, जब तुम्हारी इच्छा की तुम पहनोगे और फिर तुम्हें फ़र्क भी नहीं पड़ेगा कोई क्या बोलता है, क्या क्या सोचता है। After seeing and offering obeisance to Lord Jagannath, Gaur Hari returned to his residence with his devotees. दर्शन और प्रणाम करने के बाद जगन्नाथ जी को गौर हरि जो हैं अपने घर में जाती हैं भक्तों के साथ। Whatever desire those devotees had within their hearts were all fulfilled. भक्तों के हृदय में जो जो इच्छा थी वो सारी इच्छा पूरी हुई। The Lord treated the devotees like his own children. प्रभु अपने भक्तों को अपने बच्चों की तरह व्यवहार करते, क्योंकि जितने जीव हैं वो ईश्वर के अंश ही तो हैं, इसीलिए प्रभु अपने अंशी के प्रति आकर्षित होता है। अंश जो है अंश सॉरी जीव जो कृष्ण जो अपने अंश के प्रति उनका स्नेह है, प्रेम है, लेकिन अंश अंशी के प्रति, हम प्रभु के प्रति आकर्षित क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि हमने कुसंग के कारण हमारे अंदर अनर्थ आ चुके हैं। कुछ पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं और कुछ हमारे कुसंग का प्रभाव होता है, जिसके कारण हम नहीं, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, मैं ये नहीं, मैं ये करूँगा, ऐसे करूँगा, ऐसा नहीं करूँगा, ये हम इस पर हम करना नहीं चाहते हैं, इन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करना चाहते हैं। इसका मतलब ये कि हम हमारे अंदर सारी कमियाँ हैं। अगर सब चीज़ में नियम फॉलो, उस पर भी नियम फॉलो कर, भक्ति में भी तो नियम है। उस पर कहते कि भाई आप ऑफिस के अंदर सिगरेट नहीं पी सकता, बाहर जाते पीने के अंदर नहीं पी सकते, तो इस पर भी नियम है कि आपको इतनी माला करनी है, प्लस आपको चार पांच नियम फॉलो करने हैं, तुलसी पहनने के, प्यार लहसुन चाय कॉफ़ी छोड़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा आपको। आदत बुरी तुमने डाली है और आदत तुमको ही खुद सुधारनी है, एक बार याद रखना। और जब इंसान बीमार होता है, हॉस्पिटल में होता है, तो ना कोई मरता नहीं चाय ना पीने से, ना किसी का कोई एक आधे थोड़ा सरदर्द हुआ भी होगा तो होगा, लेकिन जब हॉस्पिटल में होता नहीं मिलती तो नहीं मिलती है, वो कोई आज तक कोई मरा नहीं है ना पीने से। जो कहते हैं कि नहीं पियेंगे तो क्या होगा, ये हम कैसे जिएंगे, ये होगा ये, क्योंकि हम आप नहीं करना चाहते इसलिए हम ऐसा कहते हैं। तो जब हम अनर्थ निवृत्ति होगी भजन के, जब हम ईमानदार होंगे अपने भजन में, तब हमको कृपा मिलेगी।
हम ईमानदार नहीं ना अपने भजन में, समस्या तो यही है। तो कहते हैं एंड दे वुड ऑलवेज रिमेन विद, और वो हमेशा प्रभु के साथ रहते थे। हम भी प्रभु के साथ कथा के माध्यम से और नाम के माध्यम से हमेशा रहते हैं। कथा भगवान से अभिन्न है, नाम प्रभु से अभिन्न है, तो इन दो के माध्यम से, साधु संघ के माध्यम से हम हमेशा प्रभु के करीब रह सकते हैं। ऑल द वैष्णव फ्रॉम बंगाल एंड नीलाचल स्टे टूगेदर, सारे वैष्णव बंगाल और नीलाचल के इकट्ठे रहते हैं। ब्लिसफुली ऑब्जॉर्व इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, यानी कृष्णा भावनामृत में सब तैर रहे हैं। बाय दी मर्सी और लॉर्ड चैतन्य पीपल वर एबल टू सी ऑल दोज डिवोटी सम होम व रेजिडेंस ऑफ श्वेत दीप, महाप्रभु की कृपा से लोगों को उन भक्तों के दर्शन भी किए जो श्वेत द्वीप के निवासी थे, यानी वैकुंठ के, क्षीर सागर के, वो भी आए थे महाप्रभु। ये हर एक को दर्शन नहीं होते हैं, वो आपके सामने उपस्थित भी होंगे, आपको दर्शन देंगे। अगर प्रभु कृपा कर दे तो आपको उनके भी दर्शन होंगे। प्रभु की लीला के दर्शन हमने कल ही पढ़ा था कि कितने सन्यासी और महाजन थे जो अपने को महाजन कहलाने वाले, उनको प्रभु के ये नरेंद्र सौर के लीला के दर्शन नहीं हो रहे थे। जो प्रभु जो कीड़ा कर रहे थे, जल कीड़ा, उनको सब दर्शन भी, उल्टा वो निंदा कर रहे थे। क्यों? क्योंकि श्रेष्ठता का अभिमान हमारे अंदर प्रभु से दूर करता है, क्योंकि हमारे अंदर अभिमान होता है। अभिमानी को कभी प्रभु नहीं दिखाई देंगे। इस पे तो सबसे प्रथम क्वालिफायर दैन्यता। ब्रह्म भागवतम के अंदर पढ़िए, नारद जी इस बात को उद्धव जी के आगे और आगे गो कुमार के आगे भी ये कहते हैं कि गोलोक में प्रवेश करने का पहला क्वालिफिकेशन है अति दैन्यता होना, दैन्य होना। बिगैर दैन्य होए आप नहीं प्रवेश कर सकते। दैन्यता आएगी तो प्रेम उत्पन्न होएगा, या प्रेम से दैन्यता, दोनों एक दूसरे पर निर्भर कर, कथा से जाप बढ़ता है और जाप करने से कथा समझ आती है, दोनों चीज़ एक दूसरे के पूरक हैं। उसी प्रकार दैन्यता प्रेम दोनों की आवश्यकता है, उसमें पहले दैन्यता चाहिए और फिर प्रेम चाहिए। अगर जीव के अंदर दैन्यता नहीं है वो कभी भी गोलोक में नहीं प्रवेश कर सकता, उसका प्रभु कभी भी नहीं लेके आएंगे। कहीं ना कहीं उसके अंदर अभिमान होएगा कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, उसके अंदर दैन्यता नहीं है। इसलिए जो दैन्य का वो हर परिस्थिति में अपने को एडजस्ट कर लेता है, घोल लेता है। वो कंप्लेन नहीं करता, मेरे दिन बर्दाश्त है, मैं उधर नहीं बैठ सकता, उधर नहीं कर सकता, वो नहीं, क्योंकि दैन्यता नहीं है, अपने को श्रेष्ठ मानता है। वो बेकार है, वो बेकार है, वो बेकार है, कि हम ही अच्छे बाकी सारे बेकार है। हो सकता है मैं ही सबसे ज़्यादा बेकार हूँ, बाकी हमसे अच्छे हो, इसलिए मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे लोगों के साथ, हो ये भी हो सकता है। क्योंकि मानसिक रोग की विशेषता यही होती है ना, होते हैं हमारे अंदर है, लेकिन हम दूसरों में देखते हैं। हमको अगर हरे के अंदर बुराई दिखाई दे रही, हो सकता है बुराई सबसे ज़्यादा हमारे अंदर ही विराजमान हो और हम नहीं कर पा रहे हैं, इसी कारण से गलती हमारी है, वो हमसे बहुत अधिक श्रेष्ठ है। और जो दैन्य होगा वो हर परिस्थिति में एडजस्ट करेगा, हर जगह करेगा, किसी के प्रति उसको कोई कंप्लेंट्स होंगे नहीं। कंप्लेंट्स हैं इसका मतलब है उसको कि उसके अंदर भी दैन्यता आई नहीं, उसके अंदर श्रेष्ठता का भान है। कुछ मानेगा तो किसी ने कुछ बोल दे तो स्वीकार करेगा ना, बिल्कुल सही है, मैं हूँ मेरे अंदर सारे अवगुण, मैं तो मान रहा हूँ और ईमानदार से भजन करो, मैं चेष्टा करूँगा दूर करने के, हरि नाम ज़्यादा करो, हो ही नहीं है वो बात अलग है, स्वीकार करो, अपना भजन करो, अपने प्रभु दूर करेंगे। हरि नाम की दवाई से ही तो इलाज होना आपका। इसलिए साधु संघ बहुत जरूरी है, भक्तों के बीच में ही भजन होता है, और नहीं तो आपका भजन नहीं होने वाला, ये दैन्यता नहीं आएगी। इंसान भक्तों के बीच में नहीं रहेगा, शेय भक्तों के बीच में वो थोड़ा भी घर में भजन करेगा, सर मैं बहुत कर रहा हूँ, और उसके अंदर उसका अभिमान होएगा, मैंने तो ये पढ़ लिया, मैंने 50 दफ़ा गीता पढ़ी है 50 दफ़ा, लेकिन आपके अंदर शरणागति आई नहीं है कृष्ण के प्रति, तो क्या आपने पढ़ा, आपने केवल रीड किया उसको समझे कुछ नहीं, क्योंकि अपनी बुद्धि से 50 दफ़ा पढ़ के भी समझ में नहीं आया। अगर वैष्णव का आश्रय लिया था, उसके अर्थों को समझा होता, तब आप शरणागत होते थे।
और वही लोग जैसे ये बातें मेरे को बोली, वही जब कथा पे आते हैं तो कहते हैं आपकी कथा सुनने के बाद, आने के बाद हमारे हृदय परिवर्तन आया है और अब हमारे नॉनवेज छूट गए। यानी हम 50 दफ़ा गीता पढ़े फिर भी नॉनवेज खा रहे थे। अब आपसे कथा सुनी, सत्संग सुना, कथा सुनी तो अब नॉनवेज छूटा। मैं कि क्या गीता समझ, तामसिक भोजन क्या है? आप देखिए गीता में इसकी व्याख्या की हुई 17वें अध्याय में, आपको समझ क्या आई है फिर मुझे बताओ। अच्छा कृष्ण के प्रति शरण में ये भी पूजा करो, उसकी भी करो, उसकी भी करो, उसकी भी करता हूँ, सारी उत्सव मनाता हूँ, सबकी पूजा करता हूँ। जब कथा सुनी हमारे से फिर तब उनको लगा कि मुझे हरिनाम ही करना, यही सर्वश्रेष्ठ है, तब इन्होंने शुरू किया। ऐसे लोग बहुत मिलते हैं, बहुत किस्म के लोग होते हैं और फिर बोलते हैं और उसका अभिमान कितना होता है कि मैंने ये तो मैंने 500 दफ़ा पढ़ी हुई है, ये कोई बड़ी बात नहीं मेरे लिए, मेरे को आती है। मैंने कहा पढ़ना और समझने में आसमान जमीन का अंतर है, पढ़ा जरूर होगा लेकिन समझा कुछ नहीं आप। अगर समझा होता तो हृदय परिवर्तित हुआ होता रहा, समझा होता तो कृष्ण भक्ति में लग जाते। कृष्ण ने 7वें अध्याय से लेके 12वें अध्याय तक अपनी भक्ति की विशेषता का महत्व बताया कि मेरा भजन क्यों करना चाहिए। 7-6 अध्याय जो है वो भक्ति प्रधान है। जैसे ना डिब्बे होते ना दो हिस्सा होता और बीच पर रत्न रखा जाता है, तो 6 अध्याय कर्म क्यों लेके बताए गए हैं और लास्ट के 6 अध्याय जो है वो गुणों को लेके चलते हैं। उन दोनों के बीच पे जो मूल रत्न है वो है भक्ति, वो बीच पे 7 से 12 अध्याय, दो डब्बे के बीच का बीचवा है 6 से 12 अध्याय, जो 7 से 12 अध्याय वो रत्न है क्योंकि भक्ति प्रधान है। वो उस पर कृष्ण ने अपनी भक्ति को व्याख्या की है, अपनी भक्ति की विशेषता श्रेष्ठता दिखाई है कि भक्त क्यों श्रेष्ठ होता है, भक्ति क्यों करनी है। लेकिन नहीं समझते हैं, साधु संग नहीं करेंगे तो अपनी मलिन बुद्धि से आप हरिनाम भी नहीं कर सकोगे, ना आपको कुछ समझ में आएगा। कोई ना कोई समझाने वाला चाहिए। कर्म योग की भी परिभाषा लोग समझे, कर्म योग किसे कहते हैं, श्लोक रटेंगे लेकिन व्यवहार में तो कुछ पता नहीं चलो क्या करना है। जब कथा सुनेंगे तब ये लगा कि अपने आप को कर्ता नहीं मानना है, प्रभु मेरे माध्यम से ये क्रिया करवा रहे हैं, इसलिए मैंने किसी के लिए कोई कर्म किया ही नहीं। जब मैंने किसी को कुछ दिया नहीं, किसी को कुछ किया नहीं, तो उसे अपेक्षा ही नहीं है। तब जाके जीव कर्म से मुक्त होता है। जब तक ये माने मैंने उसके लिए किया, मैंने उसको ये दिया, मैंने उसको वो दिया, मैं उसके लिए करता हूँ, उसके लिए वो करता हूँ, तो उसका अपेक्षा कर्म का फल की अपेक्षा रहेगी और नहीं मिलेगा तो मन दुखी होगा। देख मैं कितना करता हूँ लेकिन मुझे मिलता कुछ नहीं, उसके बदले में लोग मानते भी नहीं कि मैंने किया। तो यानी आप कर्मों के जकड़ों में फंसते जा रहे हो, यानी आपको कर्म योग की परिभाषा समझ नहीं आई, कर्म संन्यास क्या कहते हैं नहीं। मैं करता हूँ ये प्रभु आपके माध्यम से कुछ काम करवा रहे हैं, देने वाले वो, लेने वाला देने वाले प्रभु, लेने वाला वो बंदा, आप केवल माध्यम हो। जब आप माध्यम हो, एक प्योन हो, तो आप कैसे श्रेय ले सकते हो? इधर का पेपर उठा के आप उधर रख दिया, बस यही आपका काम है, उसकी आपको तनख्वाह मिल जाती है, पेपर इधर से उधर रखने की बस। प्रभु के भक्त कहते हैं प्योन का काम है, प्रभु के मैसेज एज इट इज डिलीवर करते हैं। किसका है मैसेज? प्रभु का। किसको दे रहे? सब जीवों को। पोस्टमैन का काम करे तो उसको प्रभु तनख्वाह देंगे, जो देनी क्या देंगे, अंत समय प्रेम धन देंगे, उसको प्रेम धन तनख्वाह मिलेगी। लेकिन उसको किसी से अपेक्षा नहीं, क्योंकि कहते मेरी वस्तु है नहीं, प्रभु की वस्तु मैं आपको दे रहा हूँ। और वो आप बोलते मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं पढ़ के समझा, पढ़ के उसको चिट्ठी पढ़ा रहा हूँ, ये चिट्ठी तो पढ़ के सुधारो प्रभु की, बस ईमानदारी से वही करो और क्या करो। तो भक्त कौन बन रहा है? प्रभु बना रहे, प्रभु आकर्षित करे, तो जीव क्या करे? कुछ भी नहीं करे। आपने जो काम किया इधर से उधर ले जाने का, उसके आपको तनख्वाह दे देंगे भगवान। लेकिन जीव तो आप तो मानते नहीं कि मैंने उसके लिए क्या, मेरे को नौकरी पर रखा गया इधर से उधर देने के लिए, प्रभु हमारे को यही काम दिया कि हम प्यून है, इधर का चीज़ उधर जाकर दे दो दूसरे को, फिर तुम कहाँ कैसे अपने को करता मानते हो मुझे बताओ। तो ये भी समझने के लिए भगवान के भक्त की कृपा की आवश्यकता होती है। हम पढ़ लिया, श्लोक रट लिया कर्म योग के बारे में, लेकिन अर्थ ही न समझे तो क्या फायदा हुआ। इसलिए पुण्य भी बंधन कारक है और पाप भी बंधन कारक है, दोनों को नष्ट होना चाहिए। दोनों नष्ट होंगे जब आप हरिनाम करोगे।
क्योंकि पुण्य भी बांधता है। निरंतर नाम जप करने का अर्थ कि हम पुण्य अपाप या अनजाने अनजाने में जो कुछ करें वो तुरंत नष्ट होते जाए, वो फलीभूत ना हो, इससे निरंतर जप करना चाहिए कि पुण्य भी नष्ट हो अपाप भी नष्ट हो और केवल भक्ति बनी रहे। क्योंकि संसार के लोग ये पुण्य तो कमाना चाहिए, पुण्य जाओगे तीर्थ पुण्य कमाओगे उदयोगे तो पुण्य कमाओगे पुण्य सभी सुख मिलेगा। वह बोलता मुझे पुण्य कमाने तो क्या पाप कमाने जाओगे, हमें भक्ति कमानी है, हमें भक्ति की कमानी है, पुण्य नहीं कमाना है। पुण्य में भी सोने की जंजीर, स्वर्ग जाओगे पुण्य खत्म, बैंक बैलेंस खत्म, नीचे आ जाओगे, क्या फायदा हुआ। तीर्थ करने से पुण्य मिलते हैं लेकिन भक्ति करने से प्रभु मिलते हैं। पाप नष्ट होते पुण्य नष्ट होते, तीर्थों से पुण्य नष्ट होते तीर्थों से पुण्य मिलते हैं, पाप नष्ट होते हैं लेकिन भक्ति करने से पुण्य भी नष्ट होते हैं और पाप भी नष्ट होते हैं, इसलिए भक्ति तीर्थों से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। और प्रभु का नाम कीर्तन ही भक्ति है और कोई दूसरी भक्ति की परिभाषा नहीं। हमको पुण्य और पाप दोनों नष्ट करने हैं। ये कर लोगे तो पुण्य कमा लोगे, वो कर लोगे मृत्यु आ गई है जी ये दान करा दो उसको पुण्य मिलेगा, तुम उसको तो संसार में फंसा, तुम तो उसका सत्यानाश कर रहे हो, पुण्य कमाएगा, तुम उसको नाम कीर्तन सुनाओ वो डर जाए हमेशा के लिए, क्योंकि नाम जपते हुए या नाम सुनते शरीर छोड़ा, एक नाम भी उतार सकता है उसको, क्योंकि उससे बाद कोई कर्म नहीं किया, शरीर छूट गया। हम क्या नाम जपते उसके बाद करने के बाद पुण्य पाप कुछ ना कुछ कर्म करते रहते ना, तो वो कर्म का फल हमें भोगना पड़ता है, अनजाने अनजाने में पुण्य पाप होते रहते हमसे, तो इसलिए इसका फल भोगना पड़ता है। इससे कहते हैं निरंतर जाप करने से पुण्य पाप दोनों नष्ट करते रहो, निरंतर जाप से यही होता है। लोग कहेंगे ना कि क्यों निरंतर जाप करना, उसको समझाओ इसलिए जाप करना है, क्योंकि इमीडिएटली तो कोई समझेगा नहीं, कुछ उसके अंतकरण की शुद्धि होगी इस चीज़ को समझने के लिए कि क्यों निरंतर जाप करना चाहिए हमको पुण्य पाप दोनों नष्ट करने के लिए। क्योंकि आमतौर पर ये भाषा की पुण्य कमा पुण्य कमा पुण्य कमा और वापस संसार में आओ, क्योंकि अजामिल के अंत समय राम नाम निकला था नारायण का नाम, उससे कोई कर्म नहीं किया और इससे तो बच गया। हम लोग के निकलता है फिर कोई ना कोई कर्म में लग जाते ना, तो उसे पाप पुण्य दोनों मिश्रित होते ही उसके अंदर, तो इसे कहते हैं अंत समय में निकल गया तो फिर उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे बड़ा आप सेवा क्या है, उसका अंत समय हरिनाम करना। हरिनाम की ध्वनि जितनी दूर चतक फैलेगी यमदूत वो कितना भी दुष्ट होगा यमदूत नहीं आ सकते उसके पास, नहीं आ पा सकते, क्योंकि हरिनाम की कीर्तन की ध्वनि हो रही है। और श्री तो छोटा छोटा समय और श्री छूट गया उसका भगवत धाम गया, तेरी कितना बड़ा परोपकार किया, जिसको नरकों में जाना था आप उसे भगवत धाम भेज दिया, तो कितना बड़ा परोपकार करो आप उसके लिए, इससे बड़ा उपकार और नहीं हो सकता। समय आ रही मेरी बात? हाँ, नाम कीर्तन सुनाना या कथा सुनाना अब मृत्यु के संग मनुष्य को, इससे बड़ा कोई परोपकार नहीं हो सकता। अद्वैत आचार्य कुड वुड रिपीटेड डिक्लेयर, अद्वैत आचार्य बार बार कहते ऑल दी वैष्णव्स कैनॉट बी सीवन इवन बाय इवन द डेमिगॉड, कहते सारे वैष्णव देवता भी नहीं देख पा रहे हैं, पृथ्वी लोक पे होने के बावजूद भी देवताओं भी अधिकारी नहीं इन सब वैष्णवों के इन सब लीलाओं के दर्शन करने के लिए। क्यों? प्रभु की जो ब्रज लीला थी विष्णु को देवी के भी नहीं दर्शन हो रहे थे। इससे तो भागवत के आप पढ़ोगे दश स्कंध के लास्ट में उस ब्राह्मण के पुत्रों को ले जाके विष्णु जी ने अपने धाम में रख दिया। अर्जुन उन पुत्रों को ढूंढने जाता है, यमपुरी जाता है, भिन्न भिन्न जगह जाता है, तो लोग उसको किधर दिखते नहीं, उनके पुत्र किधर है। वो शरीर छोड़ने का त्याग करता है, प्रयास करता है, मैं तो अग्नि में जल के भस्म। कृष्ण कहते हैं कोई जरूरत नहीं है, मैं तो ले चलता हूँ। उनको ले गए सीधा वैकुंठ, ले गए विष्णु जी के दर्शन कराने के लिए। विष्णु क्या आप दोनों के दर्शन करने के लिए मैं उन पुत्रों को अपने पास आया, यानी कृष्ण की लीलाओं के दर्शन विष्णु को भी दुर्लभ है। देवता तो दूर की बात रही, भले वो धरातल पे चल चबे कर रहे हैं, इसलिए जो लीला आज भी चल रही हैं हम अधिकारी नहीं, वो हमारी कमियां हैं, हमें पास वो प्रेम वो भक्ति नहीं है हम दर्शन करें। जैसे देवताओं को दर्शन नहीं हो रहे नवदीप में जो लीलाएं हो रही हैं, अद्वैचार्य स्वयं कह रहे हैं विष्णु जी को दर्शन नहीं होते प्रभु के लीलाओं के, और जो रासलीला हुई थी केवल देवताओं की पत्नियों को दर्शन, देवताओं को दर्शन नहीं हुए उस रासलीला के दर्शन नहीं होते। उसी प्रकार प्रभु की कृपा से ही
प्रभु के दर्शन, उनके भक्तों के दर्शन होते हैं, अन्यथा नहीं हो सकते, अन्यथा नहीं हो सकते। हो सकता है कि एक भक्त के सामने प्रभु से बात करेगा, आप बोलेंगे क्या बात करे, कोई हमें दिखाई नहीं दे रहा, कहते सामने तो सीताराम जी खड़े, कहते कहाँ खड़े हैं, कहते मेरे को दिखाई दे रहे, क्योंकि वो शुद्ध भक्त है, उसको दिखाई, उस पर कृपा हुई है, आपको नहीं दिखाई, इसलिए आपको लगता है कि कहाँ है, आपको लगता है पागल हो गया, पागल नहीं है वो, उसको दिखाई दे तभी तो बात कर रहा है, आपको नहीं दिखाई दे रहे, वो आपकी कमियाँ हैं, आप पे कृपा नहीं, उसको स्वीकार करो, मेरे पे कृपा नहीं, उल्टा से भीख मांगो कि प्रभु से प्रार्थना कर कि मेरे पर भी कृपा कर दे। आगे उनकी इच्छा प्रभु की कृपा करे ना करे, भीख तो मांगो भक्त से कि प्रभु से प्रार्थना करे कि भाई कृपा करवा दो। क्राइंग वाइल होल्डिंग द फीट ऑफ लॉर्ड चैतन्य ही सैड, ओ लॉर्ड ओनली बिकॉज ऑफ यू एम आई एबल टू सी ऑल दी वैष्णव। यानी रोते हुए महाप्रभु के चरण पकड़े हुए उन्हें कहा, अद्वैचार्य कहते प्रभु आपकी कृपा से ही मुझे वैष्णवों के दर्शन हो रहे हैं। द लॉर्ड हु इज द सोर्स ऑफ ऑल इनकार्नेशन वुड फर्स्ट हैव हिज डिवोटीज अपीयर इन द वर्ल्ड एंड देन ही वुड एडवेंट। प्रभु जो हैं सब अवतारों के मूल कारण हैं, अवतारी हैं, और सारे अवतार जिनसे उत्पन्न हुए हैं पहले अपने भक्तों को अवतरित करते हैं, उनको लेके आते हैं, भक्त को माहौल बनाते हैं और फिर प्रभु आते हैं। प्रद्युम्न अनिरुद्ध एंड संकर्षण इनकार्नेट विद द लॉर्ड लक्ष्मण भरत एंड शत्रुघ्न। तो कहते प्रद्युम्न अनिरुद्ध और संकर्षण जो हैं वो क्या बन के आते हैं, लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न बन के आते हैं। इन दिस वे द वैष्णवज अपीयर विद द लॉर्ड अकॉर्डिंग टू ज्यादा, इसी प्रकार वैष्णव आते हैं प्रभु की इच्छा से। तो जो महापुरुष आते हैं वो प्रभु की इच्छा से ही आते हैं जीव का उद्धार करने के लिए। अब हमारे ऊपर है कि हम उसका संग ले या ना ले, करें या ना करें, जितनी स्वतंत्रता प्रभु ने हमको दी है, या संग करके लाभ ले लो या तो नहीं करो, तुम्हारी मर्जी। प्रभु मौका देते हैं लेकिन जीव नहीं जी क्या करे, उधर जाना पड़ गया, उसके पास जाना पड़ेगा, वो घर में आ गया, उसे घर जाना पड़ेगा, ये हो गया, सब बहाने करते रहते हैं क्योंकि उसको कथा नहीं सुननी है। हमने लोगों का महत्व दिया है जो आपके एक पैसा काम आने वाले नहीं है। जब दुख आएगा कोई आपके पास खड़े होगा, उससे प्रभु का भजन और नाम ही आपको बचाएगा। कोई भी बंदा जिसको आपने खुश करने के लिए भजन नहीं किया, उसको बोलो कि मेरे कर्म ले, मेरी सहायता कर, कुछ नहीं करेगा, वो आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहेगा। तो क्यों महत्व दे रहे हो उनको, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, जो विषय है, भक्तों का महत्व दो, क्योंकि भक्त मिलेंगे तो कथा सुनने को मिलेगी। जो कथाएं नहीं करने वाले आप भक्तों के पास, उनको प्रसन्न करने के लिए क्या मिलना है, उल्टा आपकी भक्ति खराब होगी, आपको पतन की ओर ले जाएंगे। बुरे बन जाओ बन जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी कौन सा अच्छे हैं, वैसे भी हम बुरे ही हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा अगर, और उन्होंने बुरा बोल दिया, और हमें उनसे क्यों प्रमाण पत्र चाहिए हम अच्छे के बुरे हैं। हमको किसी सर्टिफिकेट नहीं लेना, हमारे सर्टिफिकेट कृष्ण देंगे, संत देंगे, गुरु देंगे, लोग से सर्टिफिकेट थोड़ी देना हमको, वो क्या सोचता है, वो क्या बोलता है, गुरु जी को बोलने दो तो जो बोलना है, या ठाकुर जी बोलेंगे। अगर आपकी भक्ति बढ़ रही है हरिनाम में, रुचि और कथा में, तो समझो आप सही चल रहा है, भूख बढ़ती जा रही है। अगर नहीं भूख बढ़ रही है तो समझो बहुत गड़बड़ी आपके अंदर है। क्यों वैराग्य उत्पन्न नहीं हो रहा, क्यों आसक्ति खत्म नहीं हो रही, क्यों वैराग उत्पन्न नहीं हो रहा, क्यों प्रेम उत्पन्न, क्योंकि या तो हम नाम को बेच रहे हो और लोग बेचते ही है, ये हो जाए वो हो जाए, भगवान के लिए तो करते नहीं हम लोग। दूसरी चीज, हम लोगों को प्रसन्न करने में लगे हैं, लोगों को रिझाने में समय बर्बाद मत करो, हमारे प्रभु को रिझाओ। धन्य है केवट जिसकी बात सुन के प्रभु के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, हंसी आई। जो प्रभु के चेहरे पर मुस्कुराहट है, धन्य है ऐसे भक्त जो प्रभु जिनके वाक्य सुन के हंस पड़ते हैं, प्रभु को प्रसन्न कर दे, जो सरलता से व्यवहार करे। जो देयरफॉर द वैष्णव नाइदर टेक बर्थ नॉट डाई, इससे ना उनका जन्म होता है ना उनकी मृत्यु होती है, क्योंकि प्रभु की इच्छा से आते हैं और कार्य करके प्रभु की इच्छा से वो वापस अपने लोक पे चले जाते हैं। बट दे कम विद द लॉर्ड एंड रिटर्न विद, प्रभु के साथ आते हैं, प्रभु के साथ ये वापस लौट जाते हैं, इससे ना उनका जन्म होता ना मृत्यु होती है। इसे हम बोलते हैं आविर्भाव और तेरा भाव, अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस, इसलिए हम बोलते हैं उनको।
आविर्भाव आतिरभाव। देर इज नो बट फ्रूटिव रिएक्शन आर ड्यूटीज फॉर द वैष्णव जैसे क्लेश है। पद्म पुराण कहते वैष्णव के ना जन्म होता है ना उनको कर्म फल भोगना पड़ता है, कर्म फल भी भोगना नहीं पड़ता उनको। अगर कोई वैष्णव को लीला करे हैं बीमारी की, इसलिए कि वो आप उनके करीब आओ, आप अपना धन उनकी सेवा में लगाओ और उनकी सेवा करो। वे तो वैसे तो हम कोई सेवा करते नहीं है, ना हम धन लगाते हैं ना शरीर से सेवा करते हैं। तो अगर मैं बीमार होऊंगा तो आप चाहे शरीर से सेवा करोगे, धन की सेवा करोगे, तो आप करीब होगे तो आपके ऊपर कृपा होगी। आप पे कृपा करने के लिए, आपके करीब लाने के लिए, आपकी सेवा को सार्थक करने के लीला करते हैं वो। वो हमारा बीमार होना कर्म के अनुसार होता है और वैष्णव का जो लीला होती है, जो जो बीमारी जो दिखती है, वो भी हम पे कृपा करने के लिए होती है। इसी पास चल मैं तब से इतने पैसे ये दवाई ले मैं कर दूँ, खर्च कर दूंगा। तो जिधर आपकी एनर्जी आएगी दवाई पे जाएगी, या उसको कुछ सामग्री ला के दोगे या कुछ खिलाओगे उसके लिए आपके पैसे से, तो आपकी अटैचमेंट उसके प्रति होगी होगी। और जब अटैचमेंट होगी तो आपके अंदर भक्ति का संचार होगा ही होगा, क्योंकि जिधर आप अपनी एनर्जी लगाते हो उधर आपकी अटैचमेंट भी जाती है। अगर पैसे को विषय भोगों में लगाओगे तो अटैचमेंट उधर जाएगी, आपका मन बिगड़ेगा। वैष्णवों में लगाओगे जो भजन नंदी होती है, आपके अंदर भक्ति का संचार होएगा और आपका मन भगवान में लगना शुरू होएगा, आकर्षण बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए 10 दफ़ा सोचो पैसे खर्च करने के पहले किस पे मैं लगा रहा हूँ, और जिस पे लगा क्या वो उसके लायक है क्या। इसलिए कहता है वैष्णव का ही संग रखो कि भाई देना दे तो वैष्णव के प्रति करो, ताकि विश्व के प्रति ना हम दूरी रहे तो अच्छा रहता है। और ड्यूटीज फॉर द उनके लिए कोई कर्तव्य भी नहीं है, वो केवल जो करते हैं लोग शिक्षा को देने के लिए, उनके लिए कोई कर्तव्य निर्धारित नहीं है क्योंकि बंधन में तो है नहीं वो। जैसे क्लियरली शेंदी पद्म पुराण में लिखा है जस्ट दैट भरत एंड लक्ष्मण दी सन ऑफ सुमित्रा एंड जस्ट दैट संकर्षण एंड अदर फॉर्म्स ऑफ द सुप्रीम अपीयर इन दिस वर्ल्ड बाय द ओन विल। जैसे भरत और लक्ष्मण जी जो सुमित्रा के पुत्र हैं और संकर्षण वो अपनी और भगवान के जो अन्य रूप हैं प्रभु की इच्छा से आते हैं, अपनी इच्छा से आते हैं। सिमिलरली द वैष्णव एसोसिएट्स ऑफ द लॉर्ड अपीयर विद द वर्ल्ड एंड देन रिटर्न टू द लॉर्ड एटर्नल अबोड विद द लॉर्ड। इसी प्रकार वैष्णव भी अवतरित होते हैं प्रभु के साथ और प्रभु के साथ प्रभु के धाम में जाते हैं। लाइक द लॉर्ड द वैष्णव डू नॉट टेक बर्थ अकॉर्डिंग टू द ओन पास कर्मज। यानी जैसे प्रभु का शरीर जो है अपनी इच्छा से निर्माण किया हुआ है, तो ये जो शरीर मिला कर्मानुसार मिला, उनका श्री चिन्मय है, दिव्य है। हमारा श्री कर्मानुसार हमको मिला है, प्रभु के श्री में कोई रोग नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं, कोई मृत्यु नहीं, कुछ नहीं है। और चाहे वो 6 दिन के हों तो पुत्र का वध कर सकते हैं, 6-7 साल में गिराजी को धारण कर सकते हैं, उनके लिए 3 महीने के हो तो छकड़े को तोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या बड़ा था क्या छोटा, उनका श्री चिन्मय है, उनके लिए कुछ बड़ा और छोटा का रहता ही नहीं है वहाँ पे बंधन। और उसी प्रकार भक्त भी आते हैं तो अपने कर्म अनुसार नहीं आते, प्रभु की इच्छा से आते हैं। और जो हमें लगता है कई बार उनके जीवन में सुख है या दुख है, वो केवल हमें महसूस होता है, अंदर से वो हमेशा भगवान के चिंतन में है, वो उन्हें ना सुख लगता है ना दुख, वो आनंदमय रहते हैं। वो आनंदमय रहते हैं क्योंकि वो प्रभु के चिंतन में, उन्हें आसक्ति नहीं। आसक्ति से सुख दुख की अनुभूति होती है। अगर हम सुख दुख की अनुभूति करें तो समझो मेरी आसक्ति संसार में है, इसलिए इस चीज़ को मैं अनुभव कर रहा हूँ। मेरी आसक्ति अगर प्रभु में होती मैं सुख दुख की अनुभूति नहीं करता था, मैं आनंदमय रहता था। तो सारी गलती हमारी आसक्ति करनी चाहिए थी प्रभु से और हमने की आसक्ति संसार से, इसलिए हमको हमेशा कंप्लेन मैंने से किया उसके लिए, उसने वैसा किया, उसने वैसा किया, क्योंकि आसक्ति है तभी तो कंप्लेंट्स हैं, तभी तो मन दुखी है। तो गलती किसकी है उसको मत बोलो कि वो बुरा है, तुम्हारी गलती है। तुमने आसक्ति भगवान से छोड़ के क्यों की, तुम अपने आप को कर्ता मानते, तुम्हारे कर्मों में आसक्ति है, शरीर से आसक्ति है, तो सारी गड़बड़ तुम्हारी अपनी है।
तुम अपने आप को सुधारो, भगवान में आसक्ति करो, अपने आप तुम्हारे मन की स्थिति ठीक होगी, तुम्हें कोई दुख नहीं लगेगा, कोई तुम्हें दुखी कर ही नहीं सकता है। अगर स्वामी महाराज कहते हैं, अगर भक्त कह रहा है कि मैं दुखी हूँ, इसका मतलब भक्ति नहीं है, क्योंकि भक्त निरंतर नाम कीर्तन में लीला कीर्तन में मग्न रहता है, तो उसे सुख दुख कहाँ महसूस होता है, सुख दुख की अनुभूति वही करता है जो संसार में आसक्त होता है। अगर नहीं तो भक्त बना ही नहीं, स्वामी महाराज के वर्ड है ये, वो भक्ति नहीं बना भी। अगर कोई डिवोटी बोलता है और प्रभु मैं बहुत दुखी हूँ आज, क्यों दुखी है भाई, क्या बात है, ये हो गया वो हो गया, तुम्हारी आसक्ति ऐसे तुम दुख हो रहे हो, नहीं क्या नहीं क्या, तुमको तो एक्सपेक्ट करना चाहिए था संसार में, तुमने क्या सुख एक्सपेक्ट किया, क्या तुम्हारे मन के अनुसार कोई चलेगा, कोई चलने वाला नहीं है, कोई ना घर वाले चलेंगे ना बाहर वाले चलेंगे, कोई नहीं चलेगा आपके मन के अनुसार। एक बार याद रखना, आप अपना आचरण अपनी चलन ठीक रखिए, मैं प्रभु के पास पहुंच रहा कि नहीं पहुंच रहा, अपनी चाल सही रखो, ये सोचोगे कि मेरे घर वाले मेरे अनुसार चलेंगे या बाहर वाले चलेंगे, कोई चलेगा नहीं, आप हमेशा दुखी रहोगे, दुखी होकर मरोगे, उसका चिंतन कर वापस संसार में आओगे। अपनी चाल देखो कि मेरी चाल कहाँ पे है, संसार में है कि प्रभु की तरफ, अपनी चाल को देखो और प्रभु की ओर चल पड़ो और निकल जाओ, क्योंकि कोई किसी का नहीं है, सब कर्म अनुसार आए हैं, कर्म भोग के चले जाएंगे, ना मैंने किसी के रुकना है ना किसी ने मेरे रुकना है, जब समय आता है सब शरीर छोड़ के चले जाते हैं। तब ये नहीं बोलता और जी मेरी शादी को तब ये दो दिन ही हुए हैं, मैं कैसे शरीर छोड़ूं, मृत्यु आया ही है, मृत्यु देखने वाली नहीं है, तो मतलब कि जी कर्म अनुसार आया, कर्म से जाएगा, वो किसी का था ही नहीं, सीधी सी बात है, लेकिन हम बात को नहीं समझते, इससे परेशान होते हैं, ऐसा कैसे हो गया, मेरे साथ ही ऐसा होता है, उस विषय होता है, ये सबके साथ वही है, सिर्फ है कि जो भजन करते हैं उस चीज़ को वो समझ रहे और इसलिए वो प्रभावित नहीं हो रहे, अफेक्ट नहीं हो रहे। तुम भजन कमजोर है, तुम समझ नहीं रहे हो, तुमने आज संसार से लगाई हुई है, इसी को ताड़का कहते हैं, इसी को दुराशा कहते हैं, हमने रामायण पढ़ी है, आशा दुराशा कितनी बार समझा चुका हूँ, लेकिन कहाँ समझ आई है, क्योंकि हमारा हरिनाम कमजोर है, भजन कम, इससे वो चीज़ उतर नहीं रही है, बुद्धि से समझ में आ भी जाती तो हृदय में उतरती नहीं, क्योंकि अंतकरण शुद्ध नहीं होगा तो नहीं समझेगी, और चेतो दर्पण माजन कृष्ण कीर्तन से शुद्ध होगा, जैसे जितना शुद्ध उतनी बात हृदय में उतरेगी, इसलिए कहते हैं विवेक इसी को बोलते हैं, ज्ञान है विवेक नहीं, हृदय में उतरी नहीं, वो शुद्धता से ही हृदय में बात उतरती है। तो भजन को बढ़ाओ, और वो कोई नहीं बढ़ाना चाहता, सबके पास भान करते हैं जी बस हो गया, इसे जा रहा हमसे नहीं होता, मैं नहीं करना, मत करो भैया, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुख तुमने भुगतना है, किसी और ने नहीं भुगतना, भुगतो, तुम्हें खुशी है भुगते अच्छा है, तुम रोना चाहते हो एक आध दिन दो दिन सहानुभूति, एक तीसरे दिन कोई सहानुभूति भी नहीं देगा, ये बात भी याद रखना, किसी को पड़ी नहीं है आप रहो या नहीं हो, वो व्यवहार में पूछे कैसे हो, उनको व्यवहार से उन्हें कोई लेना देना, आप सुखी हो कि दुख हो, ना वो आपके सुख को ले सकते हैं ना दुख को ले सकते हैं, वो व्यवहार में, और जी भी व्यवहार में कहता मैं बड़ा ठीक हूँ खुश हूँ, सब झूठ बोल रहे हैं, सभी दुखी है और सब ये कह रहे हैं बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, मैं बड़ा खुश हूँ, सब एक दूसरे को झूठ बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा, सत्य यह है कि सारे अंदर से दुखी है, केवल भक्त के अलावा, भक्त कौन है जो हमेशा प्रभु में मग्न रहता है, तन्मय रहता है, वो भक्त है, अभी तो हम भक्त बने ही कहाँ हैं, अगर भक्त बन गए तो हमको सुख दुख की अनुभूति नहीं होती थी, अगर हो रही तो अभी भक्त बने, हम भक्त बनने की चेष्टा करें, बने नहीं है, जिस दिन इस चीज़ से परे हो जाओगे तब मान सकते कि हम भक्त बने हैं, जब तक ये आपको प्रभावित करते हैं सुख का दुख कि लोग खुश होना मेरे अनुसार चले नहीं तो नहीं, तो समझो अभी आप भक्त बने नहीं हो, आपकी साधना में कमी है, आपकी कथा में, आपकी ईमानदारी में कमी है भगवान के प्रति, आप ईमानदार नहीं हो अभी तक भगवान के प्रति, तभी तो क्रोध आता है, ऐसा कुछ सभी का बहुत गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर, मैं सब बर्दाश्त नहीं होता, उससे बुद्धि भ्रमित हो जाती है, बुद्धि भ्रमित होने से इंसान का पतन ही होता है, और क्या होता है, इन दिस से द डिवोटी वर ऑलवेज फिल विद एक्सेप्ट लव इन लॉर्ड एसोसिएशन, इस प्रकार भक्त जो हैं हमेशा प्रेम में मग्न रहते हैं और भक्तों के बीच में अब या प्रभु के संग में हमेशा आनंद में रहते, भक्तों का संग या ईश्वर का संग करो तो आनंद में रहोगे, क्योंकि निरंतर कथा सुनने को मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। Whoever hear these pastimes with devotion attain the association of Lord Gaurang any devotee, जो कोई इन लीला को सुनता है श्रवण करता है उसे महाप्रभु का संग प्राप्त होती है और उनके भक्तों का भी प्राप्त होता है।
Accepting Sri Chaitanya Nityananda Prabhu as my life and soul, I Vrindavan Das sing the glories of the lotus feet. Mahaprabhu Nityananda Ji ko apne pran aur atma mante hue, main Vrindavan Das Prabhu ke charnon ki mahima ka gaan karta hoon. To agla chapter glories of Advait Prabhu, uska hum agli baar padhenge, start karenge. To naya chapter hai, Advait Prabhu ki mahima kya hai, to uska vishram karte hain. वांछाकल्पत्रुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे